सुबह सुबह उठो तो बॉडी ऐसे चटक चटक करती है, मतलब अच्छा भी लगता है और ठीक है, मतलब करना चाहिए आपकी बॉडी ठीक है, मतलब अगर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं आपकी चटकने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर डे अनदर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे ऑन द नोट ऑफ बी यू क्रिएट न्यू बेटर। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड माई मॉडिफिकेशन वीडियोज, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वाई डोंट यू लाइक द बाइक कार और या स्कूटी स्टॉक, मतलब उसको ऐसा कहाँ ही लेके चले जाओगे यार तुम, उसको मॉडिफाई करके हर चीज़ करके। बात अगर मैं मॉडिफिकेशन की करता हूँ तो फिर मॉडिफिकेशन हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एवरीवन वांना अपग्रेड। कोई बाइक आती है, फिर स्कूटी आती है या कार भी आती है, उसको पहले के 6-7 महीने तो मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ। आई टेक द कम्प्लीट फील ऑफ द स्टॉक थिंग एंड देन आई अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल, एज यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मॉडिफिकेशन के अंदर मैं कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा करता हूँ। आई डोंट टैम्पर द ओरिजिनलिटी ऑफ बाइक, ने ओरिजिनल पार्ट्स उनको मैं संभाल के रखता हूँ। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है आप सबका एक क्वेश्चन, my love for modification, why and what are advantage and disadvantage, तो इस चीज को लेकर आज हम बात करेंगे। So welcome back to the channel everyone, आज देखते हैं हम क्या बात करते हैं, क्योंकि ये 1-to-1 talk होने वाली है and this is the first time that I'm doing a 1-to-1 talk। आज की वीडियो पूरी देखना ताकि आप मुझे अच्छे से जान पाओ, बैकग्राउंड में क्या चलता है वो देख पाओ एंड हाउ आई सपोर्ट ऑल माई मॉडिफिकेशन, बिकॉज देन वी लुक टू द फैक्ट दैट मॉडिफिकेशन इज नॉट चीप, सो हाउ डू आई फंड माई मॉडिफिकेशन, ये काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब सुनने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल लेट मी नो एंड सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन। ठीक है, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सुबह का टाइम है और आज की वीडियो आने वाली है जो आपने देखी होगी कल, तो एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ। ओ माय गॉड, मतलब जैसा एकदम व्लॉग डिपिक्ट किया था मैंने, प्रेडिक्ट किया था, एकदम वैसा निकल कर आया है, क्योंकि मैंने परसों देखा था एक सपना एंड उसके अंदर आई वॉज ड्राइविंग माई सुपर कार एंड आई क्रैश्ड इट, मतलब बाढ़ दी सीधे अंदर जाके, तो उसी को मैंने अपने सपने के अंदर दिखाया, एक तरीके से विजुअलाइज करके आप सबको दिखाया है। तो कल का व्लॉग यार जाकर देखना, अभी इट्स गेटिंग अपलोडेड राइट नाउ ओवर हियर, वो वीडियो जरूर देखना, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है, डिपिक्शन आप सबको दिखाया है मैंने ऐसा करके, तो फर्स्ट टाइम एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया मौसम है, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। गाइस आपको थोड़ा सा तो मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट, तो फिर अभी क्या दिक्कत है, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, शॉप्स सारी क्लोज है, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी थी एंड बहुत काम था बाहर से, लेकिन बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे। और जहाँ तक मॉडिफिकेशन की बात करी जाए, मुझे कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टॉक रखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, दिख रहा हूँ कोई भी ज़्यादा चीज़ इतनी ज़्यादा स्टॉक रखना पसंद नहीं है, पर साथ ही साथ उस चीज़ को अपग्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं परफॉर्मेंस के साथ ज़्यादा नहीं खेलता, मैं कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा खेलता हूँ, यू कैन से इन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो अभी आया हूँ कार के पास, इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो रिप्लेस करना, वो भी बताऊँगा आपको, एक बार लग जाए, एक बार ठीक हो जाए, देन आई विल नोटिफाई यू दैट व्हाट वाज द चेंजेस आई डिड इन दिस। फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज तुझे भी चलाने का मौका मिल ही गया, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 days, मतलब अभी बीच में काम पड़ा था तो मैंने निकाली थी, एंड सॉरी फॉर द चप्पल्स, पास में जा रहा हूँ एकदम। मॉडिफिकेशन जो है वो हमारी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जब हम बोर हो जाएं तब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ये कहना वाली बात होती है, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, वो भी बाहर निकला हूँ ATM पे जाने के लिए एंड थोड़ा सा बाहर देख भी लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शॉप्स तो ओपन है, बाकी जो अपनी नेसेसरी शॉप्स है वो सारी ओपन है। सही है यार, लोगों के चलो ये जितनी डेली लाइफ के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है वो सारी फिलहाल बंद है। ओ ऐसी सेम टी शर्ट मेरे पास भी है, एग्जैक्टली सेम। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं आपको अपना सामान दिखाऊं कि मेरे पास मॉडिफिकेशन का क्या क्या सामान रखा हुआ है, मतलब लिटरली मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है, हर चीज़ अवेलेबल है, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट पॉल्यूशन लेवल भी थोड़ा सा यार कम आ गया है, आई कैन सी द रोड्स वेरी क्लियरली, यस वेरी 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 क्लियरली यार, थिंक द रॉन्ग वे, पर यही एक रास्ता है यहाँ से जाने का।
एंड यहाँ पर फार्मेसी ओपन है, यस ओपन है, एंड द बेकरीज आर ऑल्सो ओपन. चलो ठीक है, इनको भी रात दे दिया. यहाँ पे काफ़ी सारी फार्मेसीज खुल गई हैं. दिस इज नारायणा मेट्रो स्टेशन. और अबे अब ना यार ये कमेंट करके मत बोलना कि यार तू बाहर घूम रहा है, दैट यू आर टॉकिंग दैट गो सेफ एंड तू तो ब्लॉग बना रहा है. अब देखो गाइस काम पे जा रहे हैं, एक काम करने जा रहा हूँ तो साथ ही साथ ब्लॉग भी बना लिया था इसके अंदर, नॉट अ बिग डील ना. तो हैशटैग नो हेट. एंड अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रही है, वैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड दिस वॉज द लेटेस्ट बेकरी मोंगनीज, ये ओपन हुई थी एंड लेफ्ट टर्न यहाँ का फ्री है तो डोंट माइंड. रेड लाइट जम नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता यार बिल्कुल भी जब ऐसी दुकान शट देखता हूँ सारी के सारी, कोई भी आसपास नहीं होता है एंड दिस सैडन्स मी यार. भाई साहब इस SBI के अंदर अपने पैसे जमा करना है निकालना कितना बड़ा टास्क है यार. एंड आगे यू टर्न नहीं है तो चलो यहीं से चलते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आप बाइक चलाते हो, इसके साथ क्या कंपैटिबल है क्या कंपैटिबल नहीं है, तो बहुत 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 सारी चीज़ें सीखने को मिलती है स्पेशली. एंड जो एक मोटर या फिर बाइक एंथुसियास्ट होता है वो ये सारी चीज़ें देखने ही पसंद करता है, सुनना ही पसंद करता है, उसको इसके अलावा और कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है. तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड ये कितनी पुरानी पोर्श केन है यार, बहुत पुरानी है, 1990s या 2002-2005 मॉडल, हाँ उतना ही पुराना है. तो द फूड जॉइंट्स आर मेनली क्लोज्ड, यस बर्गर किंग इज़ क्लोज्ड एंड फार्मेसीज एंड दैट ऑल मेजर थिंग्स आर ओनली ऑपरेटिंग. चलो ये भी अच्छी बात है. राइडिंग दिस बाइक ऑन दीज डेज आई एम नॉट ब्रेकिंग द कर्फ्यू. अभी एक और काम करने जाना है थोड़ा सा उस साइड है वो. एंड जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन के अंदर या जो भी चीज़ ले लो इसके अंदर मैं अपने पैसे कहाँ से लाता हूँ एंड हाउ डू आई इन्वेस्ट इन द मॉडिफिकेशन. एज यू ऑल नो आई ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी बिजनेस एंड दिस इज द कोविड टेस्टिंग सेंटर ओवर हियर. दिस इज द गवर्नमेंट स्कूल, बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल एंड इसी के अंदर टेस्टिंग सेंटर खुला हुआ है. हाँ जो मेरा सेकेंडरी बिजनेस है दैट इज़ माई इन्वेस्टमेंट एंड दैट वेयर आई इन्वेस्ट, यहाँ लगाते हैं एंड देन वहाँ से कमाते हैं, यू नो द बिजनेस मॉडल. नहीं फिर भी वही है गाइस, आपका वीक के अंदर वो एक दिन होता है ना कि जिस दिन आपका काम सारा ख़त्म हुआ हुआ होता है, मतलब आपके पास कोई नया काम नहीं होता और सबसे पहला कि आप सारे काम निपटा चुके हो. तो मेरा वीक का ये वाला दिन है जहाँ पर मैं फ़िलहाल खाली हूँ एंड अपना सारा घर का काम वगैरह कर रहा हूँ. एंड द पुलिस मैन हो गए या फिर हमारे जो इतने भी सर्विंग पीपल हो गए इस कंट्री के, जितने भी पुलिस फोर्स के अंदर लोग हैं, they are doing an absolutely great job and salute to them. yeah salute to them. yahan se pharmacy se samaan lena hai kuch, chalo isko yahi rakho. ye pata nahi pharmacy mein kaisi gadbad karte hain. he gave me a change less, matlab kam paise wapas diye and then her assistant said niklegi yahan se. oh nikal gayi. चलो ये भी पतली है, शी स्लिम एंड ट्रिम गाइज. हाँ एंड देन हर असिस्टेंट सेड कि उसने मेरे को पैसे दे दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 110-120 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था बिल के अंदर जो उन्होंने मुझे चेंज वापस दिया है कि सर वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द चेंज. वाह, मैंने कहा तुम सही जा रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं है. एंड दे इवन टेंड टू चेक माई पॉकेट्स ऑल्सो, ये भी सही है. एंड ही सेड कि हमारे साथ से गलती हो ही नहीं सकती. अरे भैया चलो बाकी बातें आपसे घर पे चल के करते हैं. ये काटा मुझे लिटरली हर बार चुपता है, हर बार. एंड वी आर बैक टू आर सनसेट लोकेशन एंड हवा भी बहुत तेज चल रही है. आज अगर मैं आज का स्केड्यूल बताऊं अपना तो आज बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल था क्योंकि हाँ ये ठीक है पूरे टाइम एक तो कार का काम पड़ गया था. Then I went out to bring all the medicines, groceries, ATM का काम आ गया था. And then शाम को अब जाकर time मिला and I was so exhausted by the end of the day कि ना कोई video बनी है, ना कुछ मैं extra बता पाया हूँ आपको, ना कोई information share कर पाया हूँ. पर at the end I realized that हर मोटो vlog करने की कोशिश करी पर I was not able to actually speak. मतलब जब बाहर कोई होगा नहीं, बाहर कुछ होगा नहीं करने को एंड कुछ भी इमेजिन करके बोलने लगो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा है. बाहर ना लोग हैं, ना कोई कार है, ना बस है, ना बाइक है. एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड
एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर व्लॉग. मतलब हम व्लॉग में वही तो बोलेंगे जो बाहर होगा. ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड पीपल आर फ्लाइंग काइट्स. हमारे यहाँ पे नॉर्थ के अंदर, दिल्ली के अंदर, पतंग उड़नी पहले शुरू हो जाती है. इसकी टेंशन नहीं है लोगों को, दे जस्ट कम अप, फ्लाई द काइट्स. पर मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ एकदम हाई में, जैसे बॉडी किट्स लगा देना, टायर्स चेंज कर देना, बाइक को कॉस्मेटिकली चेंज कर देना, उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह उतार देना. मैं उस चीज़ के अंदर कभी नहीं घुसता हूँ. मेनली मेरा फोकस रहता है दैट आई स्टिक टू ओरिजिनल बट बेटर देन ओरिजिनल. हर चीज़ को रिप्लेस करना, ये मेरे अंदर शुरू से था. थैंक्स टू माई डियर फादर दैट उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने पे कभी रोका नहीं. हर चीज़ को लिटरली खोलने बोलने का वो रहता है शौकी. तो इस चक्कर में हम मॉडिफिकेशन में घुस गए एंड इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग ग्रेट 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 थिंग्स फॉर यू ऑल, फॉर ऑल द रॉयल एनफील्ड ओनर्स एंड मॉडिफिकेशन लवर्स. इन सबके लिए बहुत तगड़ी चीज़ मैं लिटरली लेकर आने वाला हूँ. वो इस साल आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. थोड़ा सा सीन हल्का होने दो ये वाला, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली डू एनी थिंग विद द सिचुएशन, विद द करंट सिचुएशन. क्योंकि सिचुएशन यार बहुत भारी हो चुकी है. इज नो चांस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ बिकॉज द सीन राइट. और बताओ यार कैसा चल रहा है आप सब घर पे करते क्या हो? आई रीड ऑल योर कमेंट्स. मतलब यहाँ पर अभी देखो जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपनी छत पे आ जाते हैं एंड मेरी काइट्स खत्म है. आई एम अ बिग टाइम काइट फ्लायर. बहुत पसंद है मुझे अपनी पतंग. बस आज के दिन ऐसे गया. अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग पसंद आया देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. अच्छा लगेगा आप सबका ये सपोर्ट देखकर कि अगर मैं ऐसी छोटी वीडियोस भी निकाल रहा हूँ देन यू गाइज आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड एंड सीइंग दिस. क्योंकि दिन का जो सारा काम है वो खत्म करो एंड ऐसे छत पे आके बैठ जाओ एंड इवन ऑल द वीडियो क्रिएटर्स एंड ऑल द ब्लॉगर्स आर सेइंग द सेम थिंग दैट ओवरकम नेगेटिविटी एंड अवॉइड न्यू सोर्सेस. आप सबसे सुन चुके हो तो मतलब जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है उनकी स्टोरीज आप इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो. बिकॉज छाई बढ़ाएंगे तभी हम इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे. क्योंकि जो लोग इससे फाइट कर रहे हैं दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन इट. अपना ध्यान रखो एंड हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो. कल को अगर आपके ऊपर आई और किसी ने हेल्प ना करे सो यू विल रिग्रेट योर होल लाइफ. सो इट्स बेटर टू डू गुड थिंग्स नाउ सो दैट योर कर्मा विल रिटर्न टू यू. ओके एंड ऑल्सो मैनी पीपल आर डेडिकेटेड टू एक्सरसाइज. यार आई एम ऑल्सो डेडिकेटेड. ठीक है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. मैंने परसों की वीडियो में बोला था दैट आई विल बी वर्किंग आउट. आप सबने अच्छा खासा सपोर्ट दिया वहाँ पर. थैंक यू सो मच. मैंने एक एक कमेंट पढ़े थे उस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया है एंड बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया. आई विल बिकम, मतलब फ्रॉम स्टमक एंड एवरीथिंग आई विल बिकम फिट एंड फाइन. एक चीज़ से ज़रूर मिस आउट कर रहे हो दैट इज़ माई इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, वहाँ जाके कनेक्ट हो एंड जब तक कमेंट नहीं करो तब तक मुझे पता ही चलेगा आपकी आपने वीडियो देखी है. तो आए हो तो कमेंट करके जाना. आज क्या करते हैं, आज का वीडियो जो है, आज का दिन जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं. मैं कोई भी वीडियो आफ्टर 6 to 7 PM ऊपर नहीं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एडिट भी करनी होती है वीडियो एंड बाकी के भी बहुत सारे काम रहते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर. सी यू ग्रेट न्यू एंड द वीडियो ओवर हियर एंड आप सबसे एक नई वीडियो के अंदर मिलूंगा कल. मोस्ट प्रोबेबली कल रोज वीडियोज निकाल रहा हूँ. छोटी सी, अगर छोटा सा भी एक वर्ड भी इसके अंदर पसंद आए तो लाइक करके जाना. सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू. देन बाय, टेक केयर.